ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। मार्च को काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तदुपरांत जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी 8:30 ऑनवर्ड्स। काउंटिंग से संबंधित जो काउंटिंग पर्सनल के जो ट्रेनिंग है वो हमने 2 राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स हमने कम्प्लीट कर दी हैं और कल 1 राउंड का ट्रेनिंग और भी होगा। आज जो है एनकोर और पोस्टल बैलेट का ड्राई रन था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया गया था और मेरे द्वारा सुबह विजिट भी किया गया स्ट्रॉन्ग रूम को और समस्त व्यवस्थाएं देखी गई। वैसे लगातार हमारे आरओस भी और हमारे इलेक्शन में जो कार्यरत जो हमारे ऑफिसर्स हैं और मेरे द्वारा स्वयं भी रेगुलर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग रूम विजिट किया जा रहा है और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग रूम में 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है। प्रथम लेयर जो बाहर का है और जो सेकेंड लेयर है वो पुलिस का है और जो इनर कॉर्डन है वो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस द्वारा मैंड है। देखिए वैसे तो जो काउंटिंग हॉल है जो प्रेमाइसेस है हमारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज वहाँ पे एंट्री उन्हीं लोगों की होगी जो जिनके पास पास होगा और मीडिया हमारे जो बंधु हैं मीडियाकर्मी जो हैं आप लोगों के लिए हम लोगों ने अलग से एक व्यवस्था कर रखी है टेंट की व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पे टीवी स्क्रीन है मॉनिटर्स भी हैं और 2 हमारे सेपरेट बिल्डिंग्स हैं। 5 विधानसभाओं के लिए एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में हो रहा है और दूसरे 5 विधानसभाओं में एक दूसरे बिल्डिंग में हो रहा है। दोनों बिल्डिंग्स के बाहर हम लोग स्क्रीन लगा रहे हैं और जो प्रक्रिया अंदर चल रही है वो आप लोग बाहर जो स्क्रीन लगाया जाएगा वो आप भलीभांति उससे अवगत हो सकेंगे और जो मीडिया कर्मियों का जो टेंट होगा वो इक्विडिस्टेंट होगा दोनों बिल्डिंग्स के बीच में होगा ताकि आप दोनों जगह की जो गतिविधियां जो चल रही होंगी वो आप उससे रूबरू हो सकते हैं। ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।